इस्लामाबाद में रमजान के आखिरी जुम्मे पर सियासत, जुम्मा अलविदा पर जामा मस्जिद में रुचि वीरा विवाद, नमाजियों से मिली रुचि तो पुलिस ने ले लिया एक्शन, रुचि का मेल मिलाप नहीं आया, मुरादाबाद पुलिस को रास। रमजान के आखिरी जुम्मे को अलविदा करने हर मुस्लिम अल्लाह की इबादत करने के लिए मस्जिद पहुंच रहा है, सिर झुकाकर अमन और चैन की दुआ मांग रहे हैं, लेकिन इसी बीच सियासत करने वाले भी मस्जिद पहुंच रहे हैं और मुस्लिम वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हुआ है, जहां जामा मस्जिद में सपा प्रत्याशी रुचि वीरा नमाजियों से मिलने पहुंच गई, जिसके बाद मुरादाबाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए रुचि वीरा को रोक दिया। करीब एक महीने के रमजान का ये आखिरी जुम्मा है, ऐसे में भारी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग नमाज अदा करने मस्जिद जाते हैं। ऐसे में भारी संख्या में योगी सरकार ने हर जगह पुलिस फोर्स को तैनात किया हुआ है, ताकि मुस्लिमों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो और वो शांतिपूर्ण ढंग से नमाज अदा कर पाए। ऐसे में सियासी खेल खेलने के लिए सपा प्रत्याशी रुचि वीरा मस्जिद पहुंच गई, हालांकि पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद उनके समर्थक और कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जाहिर करते हुए नारेबाजी की। दरअसल मुरादाबाद में किसकी जीत होगी वो मुस्लिम वोटर ही तय करते हैं। मुरादाबाद में मुस्लिम वोटरों की संख्या की बात की जाए तो 47.12% है। ऐसे में मुस्लिमों को साधने के लिए सपा यहां जुमा अलविदा पर राजनीति करती हुई दिखाई दे रही थी, हालांकि पुलिस ने रुचि वीरा को रोक दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि जो सपा बार बार सत्ता में बैठी बीजेपी पर सवाल उठाती है, धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाती है, उसी सपा की प्रत्याशी जब इस तरीके से धर्म की राजनीति करने के लिए मस्जिद पहुंच जाए तो उसे क्या कहा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।